हमारे YouTube चैनल ब्लॉग विद एन के मैं हूँ करण कुमार। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने वाराणसी के गंजारी में, जहाँ की अपने वाराणसी का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। और आज इसी का मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ। और आज 5 फरवरी 2024 है और सोमवार का दिन है, और अभी तिजहरिया के यानी कि दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं आया हुआ हूँ इसका अपडेट देने के लिए, क्योंकि ये स्टेडियम जो है लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसमें एक साथ लगभग 30,000 दर्शक क्रिकेट देख सकेंगे। और इसे जो है आध्यात्मिक तरीके से बनाया जा रहा है, यानी कि शिव की थीम पे बनाया जा रहा है, डमरू अर्धचंद्र और इन्हीं सब चीज़ों के पे बनाया जा रहा है, और जो है कि इसका टेंडर L&T कंपनी को दिया गया है। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं क्या कार्य हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये पूरा ये जो एरिया है यहाँ पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी हम लोग रिंग रोड फेज 2 पे खड़े हैं, और ये जो सीधा रास्ता ये देख रहे हैं आप, ये चला जाता है राजा तालाब के लिए, और वहीं आप पीछे ये चले जाएंगे हरुआ के लिए। और इधर ये काम काफ़ी ज़ोरों शोर से यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे एक टावर लग चुका है और ऑफिस बना हुआ है और बाउंड्री का काम हो रहा है। और अभी बारिश आज हुआ है तो इस वजह से जो है कि काम बंद पड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या कार्य हो रहा है। तो देख रहे हैं इधर अभी अधिकारी लोग आए हुए हैं और अभी लंच का टाइम है, तो शायद खाना वगैरह लोग खा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं और देखते हैं कि अंदर जाने देते हैं कि नहीं। तो साथियों यहीं से चलते हैं नीचे, क्योंकि आगे से जाने कोई मतलब नहीं, मैं आपको पीछे से चल के दिखाऊंगा। मतलब पीछे से का मतलब है कि पहले इधर से घुमाकर फिर आगे चलूंगा, तो मैं पूरा एक साथ कवर कर पाऊंगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा आप लोग भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी मैं यहीं से अंदर चल रहा हूँ और इधर जो देख रहे हैं ये जो एरिया है, इधर बाउंड्री बनाया जाएगा। अभी डार्क आ रहा होगा वीडियो, क्योंकि सामने से सूर्य का लाइट आ रहा है। देखें इधर फर्मा वगैरह आके रखा हुआ है, और ये जो है यहाँ पे पूरा सेटअप है, ऑफिस वगैरह है, और आगे जो है काम हो रहा है। देख रहे हैं उधर सरिया वरिया बांधा जा रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम हो रहा है, देख रहे हैं। तो यही सब यहाँ पे काम हो रहा है, अधिकारी हैं सभी लोग हैं, और सामने जो है कि क्रिकेट हो रहा है, जो यहाँ के लोग हैं लड़के हैं बच्चे हैं वो क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं इधर। तो इधर यही सब काम हो रहा है काफ़ी ज़ोरों शोर से। तो अभी पता नहीं कोई मना करेगा तो फिर वीडियो मैं स्टॉप कर दूंगा इसी में। देख रहे हैं ये अभी इधर घर वगैरह था, ये पूरा हटा लिया गया इधर से, और इधर ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप सामने से, इधर बाउंड्री बनाया जाएगा और उधर से पिलर भी बनाया जा रहा है किनारे किनारे एकदम, जिधर बच्चे खेल रहे हैं उधर से बाउंड्री भी बनाया जा रहा है। तो जैसा कि इधर देख रहे हैं इधर फर्मा वर्मा बना के इधर ढलाई करने, मतलब जो पिलर बनाया जा रहा है बाउंड्री के लिए, वो यहीं से ढाल के जाएगा, यानी कि ढाल के सीधे जाएगा और वहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा। और आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, और यहाँ पे पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है, देख रहे हैं लॉरेंस एंड टूब्रो, ये मतलब ये जो कंपनी करवा रही है उसका नाम है लॉरेंस एंड टूब्रो, ये पूरा यहाँ पर डिटेल ये दिया हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं। और ऐसे ये बनाया जा रहा है और ये डायरेक्ट यहीं से पूरा ढाला जाएगा, और जाके जैसे देख रहे हैं ये है ना, ये सामने रखा हुआ है, ये पूरा पहले से एकदम पूरा ढाल के बना दिया जा रहा है, ताकि बाद में ये ना हो कि दीवार खड़ा करने के लिए पिलर अलग से डालना पड़े। पिलर अलग से डालना ही नहीं पड़ेगा, वो पूरा यहीं से तैयार होकर जाएगा और जो है कि पूरा डायरेक्ट काम किया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर ये सारी मशीनें हैं ना पड़ी हुई हैं, तो ये से ये पूरा ढलाई करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है, पूरा बॉक्स एकदम बनाया गया है, इसको तैयार कर लिया गया है और उसको सेंटिंग कर लिया गया है, और ये सारा मशीन यहाँ पे लगा हुआ है, और सीधे ये पूरा ढलाई किया जाएगा और फिर मशीनों के द्वारा जो है इसको उठा कर लेके जाया जाएगा और सीधे बाउंड्री तैयार किया जाएगा। जैसे वो होता है ना, आप सब जानते ही होंगे कि जो कहीं कहीं पे आप लोग देखते होंगे कि जो बाउंड्री हुआ रहता है ईंट का हुआ होता है, और कहीं कहीं देखते हैं एक होता है कि जो पूरा ढलाई किया होता है बस उसमें फिट किया जाता है, तो कुछ वैसा ही ये सिस्टम है। और उधर देख रहे हैं लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, और बीच बीच में जो है कि केबल वगैरह फैलाकर जो कि बिजली का बॉक्स लगाया गया है, क्योंकि लाइट वगैरह लगाया गया है पूरे इस मैदान में, तो इस वजह से यहाँ पे लगाया गया। और इधर ये जो देख रहे हैं इसका जो ये खुदाई हुआ है, ये पूरा पवेलियन के लिए, यानी कि नीचे से बेस तैयार किया जा रहा है, गड्ढे को खोदा गया है और उसके बाद फिर इसमें नीचे से ढलाई किया जा रहा है, ताकि बेस मजबूत बनाया जा सके और फिर ऊपर पूरा काम किया जाएगा। तो काफ़ी गहरा खुदाई किया गया है, लगभग 10 फीट
खुदाई किया गया, उससे अधिक ही है खुदाई इसका जो किया गया है। मैं थोड़ा पास से आपको अभी चल के दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं इसका खुदाई काफ़ी गहरा किया गया है, काफ़ी अंदर तक किया गया, और नीचे से ढलाई भी किया जा रहा है, लगभग 4 इंच 5 इंच ढलाई किया जा रहा है, देख रहे हैं। और ये अभी इधर तक तो खनाई गया है, यानी खुदाई हो गया है, और इधर जो है अभी मैं इधर से आपको दिखाया, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी कि अभी तो बदरी था और अभी धूप हो चुका है, और इधर जो है कि केबल वगैरह फैला हुआ है, देख रहे हैं इधर पूरा बिजली का तार है, बॉक्स लगा हुआ है। और आगे से भी मैं आपको चल के बता रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेडियम है ये इसमें जो है कि IPL T20 वनडे टेस्ट और भी बहुत कुछ होगा इसमें, और इसके साथ साथ इसमें बैडमिंटन फुटबॉल के लिए भी ग्राउंड बनाया जाएगा साथ ही साथ, और ये अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, और इसमें एक साथ लगभग 30,000 दर्शक क्रिकेट देखेंगे, और जो है कि इसमें देश विदेश से लोग आएंगे, तो इसके लिए भी अब बनारस में जो है कि सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है, ताकि लोग जब आएँ बाहर से एयरपोर्ट से होकर या तो फिर बाई ट्रेन आएँ तो उन्हें स्टेडियम पहुंचने के लिए दिक्कत ना हो, इसके वजह से अब सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। और ये जो कंपनी है LNT लार्सन एंड टुब्रो, वो अपने अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसमें भी ये कार्य कर रही है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इस वजह से ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है ये इसी कंपनी को दिया गया है, देख रहे हैं ये पूरा खुदाई किया गया और इधर से ढलाई एकदम पूरा कर दिया गया है, देख रहे हैं। और जो आप सामने का हिस्सा देख रहे हैं उधर मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, उसमें जो है वो हिस्सा है वो हिस्सा है ग्राउंड के लिए, देखिए यहाँ पे है ना, इस पे लिखा हुआ है लारेंस एंड टुब्रो, तो वही चीज़ है। चलिए एक चीज़ बढ़िया है कि अभी तक तो कोई मना नहीं किया, और सामने आप ये जो देख रहे हैं आगे यह है जल निगम का पानी टंकी, यहाँ पे बन रहा है, और जो ट्रक आवागमन कर रही थी यहीं से कर रही थी, और मजदूर भाई भी यहीं से जाते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड एक एंट्री का, तो यहीं से सब कुछ होता है, और यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि अपना पशु इसी में चरा रहे हैं, और आगे एक मशीन लगा हुआ है यानी कि समरसिबल। तो चलिए और चल के मैं थोड़ा उधर से भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था अभी उधर साइड से कि ढलाई किया गया है, तो अभी देखिए 4 इंच जो ढलाई किया गया था उसके ऊपर लगभग 2.5 फीट ऊँचा फिर से उस पर सेंटरिंग किया जा रहा है, छड़ को बांधा जा रहा है, फिर उसे उस पर ढलाई किया जाएगा, यानी कि कई लेयर बाई लेयर इसमें ढलाई किया जाएगा, यानी मजबूती का पूरा ध्यान इसमें दिया जा रहा है कि कोई भी समस्या ना हो, एकदम बेस मजबूत रहे, और ऊपर का जो बिल्डिंग बनाया जाए, जो भी चीज़ें बनाई जाएँ वो एकदम मजबूत रहे, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए। इधर ये बैरिकेडिंग किया हुआ है ताकि इधर से कोई अंदर नहीं जा सके, देख रहे हैं वो सामने एक समरसिबल गड़ा हुआ है नया, उसका पानी सीधे तालाब में जा रहा है, बगल में एक तालाब है। धूप छाँव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले एक रोड था, कच्चा रोड सब एकदम हटा लिया, और देख रहे हैं ये पूरा जो मिट्टी खोदा जाएगा यानी कि जिसमें बेस बनाया जाएगा उसके लिए पहले से ही पूरा मार्क कर लिया गया है, और काफ़ी चौड़ा है, यानी मुझे लग रहा है ना लगभग में होगा फिर भी लगभग 40 फीट से ऊपर ही होगा। देख रहे हैं ये जो मिट्टी का ढेर बना हुआ है, बच्चे उस पर उछल कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं अपना। और इधर ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये सेटअप है मटेरियल मिक्स करने के लिए, ये मतलब ये जो मशीन है इसमें मटेरियल मिक्स होगा, और सामने जो है ये लेबर रूम बनाया गया, और ये जो टीन सेट आप देख रहे हैं ये टीन सेट के जस्ट पीछे जो है वो टॉयलेट वगैरह बनाया गया है, और इस स्टेडियम को 30 महीने में कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या होता है, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, खैर हालांकि काफ़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है,
देख रहे हैं ये पूरा इधर सेटअप बिठाया जा रहा है। तो अभी मैं और आगे आ चुका हूँ क्योंकि काफ़ी दूर था, तो आता तो फिर वीडियो लंबा होता बेवजह, इसी वजह से मैं बीच में थोड़ा पुश कर दिया हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे जेसीबी है और इधर भी रूम वगैरह हैं, ऑफिस है, रूम है, लेबर रूम है, सब देख रहे हैं। इधर ये है ना मशीन, काफ़ी बड़ा मशीन है। अभी तो ये सेट किया जा रहा है, ऊपर अपने मजदूर भाई हैं जो कि सेटअप कर रहे हैं इसका। और इधर से ये देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा है ना, ये इधर से, और ये ऐसे ही राउंड में ऐसे ही ऐसे खुदाई होगा और ऐसे पूरा होगा। और जो इसका एंट्री गेट होगा ये जस्ट इसी के सामने ही होगा, यानी कि ये जो रोड है यहाँ पे जो अंडरपास बना हुआ है जस्ट इसी के सामने होगा इसका एंट्री गेट। डमरू और अर्धचंद्राकार जो हिस्सा होगा ये इसी सामने ही होगा, देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से है। और मैं थोड़ा चल के और भी दिखा दे रहा हूँ कुछ आपको। और साथियों मैं आपको बता दूँ कि कोई भी अभी आप लोगों को यहाँ का जो वीडियो है यानी कि इसका यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसका पूरा डिटेल में जानकारी नहीं दिया होगा, यानी कि पूरा दिखाया नहीं होगा ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को पूरा घुमा घुमा के दिखा रहा हूँ, ऐसे कोई भी अभी तक दिखाया नहीं होगा। लोग दूर से ऐसे रोड पर खड़े होकर वीडियो बना लिए होंगे और चारों तरफ से, हालांकि मैं आप लोगों को पूरा घुमा के दिखा रहा हूं और मैं भी पूरे चारों तरफ से राउंड मार के दिखाया हूं, बाइक राइड करते हुए दिखाया हूं। और अभी मैं आप लोगों को ये इसके अंदर आकर दिखा रहा हूं पूरा डिटेल में, ऐसे कोई आप लोगों को वीडियो भी बना के यहां के दिखाया नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके बाद लोग आएंगे वीडियो बनाने के लिए कि अब हम लोग भी चलेंगे और पूरा अंदर हिल कर पूरे डिटेल में यहाँ का वीडियो बनाएंगे। देख रहे हैं इधर पूरा ग्रिल वगैरह आके यहाँ पे रखा हुआ है सब। तो अब काम अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत 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 ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा का 30 महीने कंप्लीट करना है। तो अब काम में स्पीड काफ़ी आ गया है और काफ़ी ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम हो रहा है। और देख रहे हैं ये ऑफिस है, और अभी मैं इसके पीछे से, क्योंकि इधर से जाने लायक नहीं था, क्योंकि इधर से सब ऑफिस बना हुआ तो जाने लायक नहीं था, इस वजह से नहीं जा रहा हूँ। मैं इसके पीछे से चल के दिखाऊंगा कि यहाँ पीछे क्या काम हुआ या फिर क्या चीज़ है। देख रहे हैं बारिश हुआ है तो कितना कीचड़ है एकदम। और इधर देख रहे हैं ये जो है इधर ये ढाला गया, ढलाई किया गया है मेरे ख्याल से इसको। इधर जो है पार्किंग एरिया नहीं, खैर इधर तो यही मैं बोल रहा था कि यहीं पे जो है एंट्री गेट स्टेडियम का यहीं पे रहेगा। और ये दीवार उठाने के लिए बनाया जा रहा है जो है, देख रहे हैं दोनों साइड पे ढाला गया है, ढलाई किया गया है। और ये मेन नहीं है, जो मेन है रोड के किनारे से बाउंड्री इसका बनाया जाएगा। और ये तो खैर ये ढलाई किया जा रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, यही सब काम है। देख रहे हैं और सामने का जो देख रहे हैं वो लेबर रूम है, यानी कि जो यहाँ पे अपने वर्कर भाई हैं वो उनके लिए रूम बनाया गया है सेटअप, उसको अलग किया गया, यानी कि जो अपने वर्कर भाई हैं और उनका जो टॉयलेट वगैरह उनके लिए बनाया गया वो पूरा अलग किया गया, उसको अलग सेक्शन में किया गया पूरा बाउंड्री करके, यानी कि टीन सेट वो जो देख रहे हैं उसके पीछे उनका पूरा सेटअप किया गया है। और यहाँ देख रहे हैं ये बिजली सप्लाई के लिए, यानी कि काम होगा तो बिजली चाहिए तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा सेटअप बनाया गया है। और ये इधर से आप देख रहे हैं सामने भी बोर्ड लगा हुआ है एलैंड की कंस्ट्रक्शन, आप लोगों को नहीं दिखेगा क्योंकि इधर से लाइट आ रहा है, देख रहे हैं। तो यही सब है, तो आगे तो कहीं जाने लायक है नहीं, तो यहाँ से घुमाते हैं। तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालांकि जो दिखाना था मेन वो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छा और डिटेल के साथ वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है और मैं कहीं भी जाके वीडियो शूट कर लेता हूँ आसानी से, अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।